हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। आज हम देखेंगे कि आपको आपके पास सुजुकी एक्सेस है या एक्टिवा है, तभी में ये स्विच है वो कॉमन लगती है। तो अगर आपकी स्विच ख़राब हो गई है और आपको चेंज करवानी है तो आपको कितने कॉस्ट में पड़ेगी वो स्विच। तो अगर आपके पास एक्सेस है और ये अपर डिपर स्विच जो हाई बीम और लो बीम में यूज होती है, ये साइड लाइट स्विच और ये हॉर्न की स्विच है, तो कंपनी से आप डरवाते हैं तो 250 रुपये की आती है स्विच। 200 से 250 रुपये MRP होती है कंपनी की होंडा या सुजुकी के जनरल में। पर वही स्विच अगर आपको अच्छी क्वालिटी में लगवानी और सस्ते में चाहिए तो मिंडा या जूसिन कंपनी में मिल जाती है। वो बाहर के स्पेयर पार्ट से आपको मिल जाएगी लोकल में, और उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रहती है और उसकी प्राइस अराउंड 100 के आसपास होगी, उससे कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वही कंपनियाँ वही में सप्लाई करती है, सुजुकी और होंडा को देती है, तो स्विच तो वही रहेगी पर कंपनी चेंज होगी और प्राइस भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्विच आप यूसिंग या मिंडा में से लगवा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही नए वीडियो में लाता रहूँगा। और आपको किसी भी पार्ट्स का प्राइस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।